हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी हो। कैसे हो आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ सिर्फ एक रबर बैंड की मदद से कितने हेयर स्टाइल बनते हैं। आई डोंट नो, तो आप वीडियो देख लीजिएगा एंड तक, तो आपको पता चल जाएगा कितने हेयर स्टाइल है। वैसे टाइटल में आपने देख लिया होगा, थंब। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि किसी तरीके की न्यू न्यू वीडियो की अपडेट मिस ना हो आप लोगों से। न्यू चैनल पर जरूर जाइएगा, शॉर्ट्स बाय प्रीत तिवारी। तो वहाँ पे मेरी अमेजिंग शॉर्ट्स वीडियोज आपको देखने को मिलेंगी। एंड जो सेकंड चैनल है प्रीत तिवारी टू, जिसपे मैं सिलाई से रिलेटेड ऑल वीडियोज अपलोड करती रहती हूँ, तो प्लीज वहाँ पे भी जरूर जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस रबड़ बैंड की मदद से कैसे कैसे आप हेयर स्टाइल बना सकते हो, सब कुछ मिलने वाला है आपको आज की वीडियो में। बैक से पहले अच्छे से कॉम कर लेना है बालों को। देन कई बार हम लोग इस तरीके से पोनी बना के जाना चाहते हैं, बट पोनी हमको अट्रैक्टिव चाहिए होती है और वो नहीं बन पाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली अपने बालों को अच्छे से कॉम करना है और इस टाइप का रबर बैंड लेना है। ब्लैक कलर में भी आप ले सकते हो, ब्लैक वाला भी काफी अच्छा और स्टाइलिश लगेगा। इस तरीके से रबर बैंड को लगा लेना है एंड इसको नीचे की तरफ फ्लैट करना है। एंड यहाँ से जो आपका क्राउन एरिया का हेयर होता है इसको थोड़ा सा खींचना है, जिससे कि जो हमारा क्राउन एरिया का वॉल्यूम है वो काफी अच्छा दिखे। लेयर्स निकालना बिल्कुल भी मत भूलिएगा इस हेयर स्टाइल के साथ। दोनों साइड से लेयर्स निकाल लेंगे और इस तरीके से आप कहीं भी मार्केट वगैरह इस तरीके से पोनी के रबड़ बैंड को थोड़ा सा इस तरीके से कर दीजिएगा, इससे थोड़ा और अच्छा और अट्रैक्टिव दिखेगा। अब बात आती है जो हमारे बेबी हेयर्स होते हैं, ये बहुत परेशान करते हैं और हमारे हेयर स्टाइल का जो लुक होता है उसको खराब कर देते हैं। तो उसके लिए आपको एक सेटिंग स्प्रे रखना है। अगर आप हेयर स्टाइल लवर हो, तो अगर आपको हेयर स्टाइल बनाना पसंद है, तो सेटिंग स्प्रे आपके पास होना ही चाहिए। उसके बाद आपको पतले दांतों वाली कॉम पे सेटिंग स्प्रे को लेना है एंड जो आपके बेबी हेयर्स हैं, आपके हेयर स्टाइल के लुक को खराब कर रहे हैं, उन पे बस सिंपली इस तरीके से कॉम कर देना है। इससे जो आपका हेयर स्टाइल का लुक है वो मैनेज हो जाएगा और काफी अच्छा दिखेगा, अट्रैक्टिव दिखेगा। तो ये देखिए फ्लैट जो मेरे ये बेबी हेयर्स थे अच्छे से फ्लैट हो चुके हैं। अब आपको जैसे इस तरीके से आपको लग रहा है कि आपको तो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा है ऑफिस जा रहे हो, तो आप इस तरीके से बॉबी क्लिप्स लेके और लगा सकते हो, जिससे कि आपका जो हेयर स्टाइल है वो काफी अच्छा हो जाएगा एंड कंफर्टेबल रहेगा, टाइट रहेगा, जिससे कि आप अपना काम भी आसानी से कर पाओगे। तो दोनों साइड इस तरीके से लगा लेना है। तो आज का जो हेयर स्टाइल है वो सेल्फ है एंड बहुत ईजी है। तो आप आराम से इस तरीके से बना के इस रबर बैंड की मदद से अपना ऑफिस, कॉलेज, जहां भी जाना है आप जा सकते हो। तो ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल हो गया। चलते हैं सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ। सेकेंड हेयर स्टाइल के लिए आपको करना क्या है, आपको आपका जो हेयर स्टाइल है ये वाला, इसको ऐसे ही रखना है एंड बालों को अच्छे से कॉम कर लेना है। इसके बाद आपको एक पतला वाला रबर बैंड चाहिए सेकेंड हेयर स्टाइल के लिए। अब आपको चोटी बनानी तो है, बट चोटी को आपको उल्टा साइड से गुथना है, मतलब नीचे की तरफ से लेके जाना है इस तरीके से, नीचे की तरफ से पूरे हेयर को अच्छे से गूथना है चोटी को। अब जो रबड़ बैंड है इसको यहाँ पे लगाएंगे लास्ट में, और जो आपने चोटी गूथी है इसको लूज करेंगे। वाओ, इस तरीके से आपको लूज कर लेना है, देन इसको थोड़ा सा टाइट कर देना है और ये हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल हो जाएगा। कहीं भी जाने के लिए रेडी है। और आपको ऐसे अच्छा नहीं लग रहा तो आप क्या करोगे, सिंपली इस तरीके से एक जो आपका रबड़ बैंड आपने लगाया है इसको, इसका एक लेयर पकड़ना है और जो आपका ये चोटी है इसको इसको नीचे से खींच लेना है ऐसे। और ये जो एक्स्ट्रा हेयर आपके दिख रहे हैं इनको रबर बैंड के अंदर ही इस तरीके से निकाल देना है और ये हमारा सेकंड हेयर स्टाइल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सेकंड हेयर स्टाइल करके कहीं भी जा सकते हो। ये एवरीडे हेयर स्टाइल है और एंड स्टाइलिश लुक आप अपने घर में भी बना के इस तरीके से रख सकते हो। तो थर्ड हेयर स्टाइल में आपको क्या करना है, आपको पहले अपने आपका जो हेयर है उसको अच्छे से ओपन कर लेना है, खोल लेना है, यानी कि ठीक है।
उसके बाद आपको अपने हाफ हेयर लेने हैं, पूरे नहीं लेने हैं। कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए वाला हेयर स्टाइल जो है वो काफी अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे आपको ये रबर बैंड को लगाना है, थोड़ा सा टाइटली ले लीजिएगा और इस तरीके से करके बस छोड़ देना है और आप कॉलेज जाने के लिए रेडी हो। आप ब्लैक रबर बैंड ले लीजिएगा इस तरीके का, ब्लैक वाला ज़्यादा अच्छा लगता है एंड थोड़ा सा स्टाइलिश लगता है। तो इस तरीके से करके भी जा सकते हो, लेयर्स जरूर निकालिएगा, ऑफिस है गोइंग गर्ल है या फिर कॉलेज जाना है तो। और ये जो हमारा बेबी हेयर्स है उनको अच्छे से फ्लैट लुक देने के लिए सेटिंग स्प्रे यूज कर लीजिएगा। ओके, इस तरीके से आप करके जा सकते हो फोर्थ हेयर स्टाइल में। अगर आपको ऐसे नहीं पसंद है तो आप सिंपली अपने सारे हेयर को ट्विस्ट कर लीजिए। अच्छे से ट्विस्ट करके रबर बैंड के ऊपर से लेके आएंगे। और जो हमारा रबड़ बैंड है इसके अंदर से फिंगर को इस तरीके से इंसर्ट करेंगे एंड पार्ट को इसके अंदर दबा देंगे। और ये हमारा पांचवा हेयर स्टाइल हो जाएगा, वो भी सिर्फ एक रबड़ बैंड से। और इस तरीके से भी आप आराम से घर में रह सकते हो और आपका जो लुक है वो काफी अच्छा दिखेगा। तो अब बारी आती है छठे हेयर स्टाइल की। छठे हेयर स्टाइल में पहले इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद से आपको सारे हेयर को ऊपर की तरफ लेके जाना है, यानी कि हाई पोनीटेल बना लेनी है। हाई मतलब हाई, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना है हाई पोनीटेल बनाने में। हाई पोनीटेल ज़्यादा अच्छा और अट्रैक्टिव लगता है आपको कहीं भी जाना हो, काफ़ी कंफर्टेबल लुक देता है आपको। ओके, इस तरीके से करने के बाद से आपको सिंपली इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करना है एंड ट्विस्ट करना है। एंड तक पूरा ट्विस्ट कर लेंगे और इसको सिंपली रबर बैंड के चारों तरफ लपेटना है और एंड पार्ट को रबर बैंड को पकड़ के ऐसे खींचेंगे और एंड पार्ट को इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे और दैट्स इट। ये भी आप डेली वे में यूज कर सकते हो हेयर स्टाइल। ओके, सातवें हेयर स्टाइल में आपको क्या करना है, सातवें हेयर स्टाइल में भी आपको इस तरीके से हाई पोनीटेल तो रखनी ही है। और सारे पोनी के हेयर को इस तरीके से टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और सिंपली एक नॉट लगाएंगे, यानी कि गांठ लगाएंगे। इस तरीके से गांठ लगाएंगे, अगेन सारे हेयर को नीचे की तरफ लेके आएंगे और यहाँ पे भी एक गांठ लगाएंगे ऐसे और इस हेयर को ऐसे लपेट देंगे और एक यूपिन लेके इसको सिक्योर कर लेंगे, यूपिन या बॉबी क्लिप, जैसे आपको इजी लगे और आपका हेयर स्टाइल टिका रहे। अब ऐसे करने के बाद से थोड़ा थोड़ा हेयर को लूज करेंगे एंड बॉबी क्लिप या यूपिन की मदद से इसको सिक्योर कर देंगे। और ये भी हमारा बहुत आसानी से आपका हाई बन बन के रेडी हो जाएगा, वो भी सिर्फ एक रबर बैंड से। इसको आप चाहो तो थोड़ा थोड़ा सा खींच सकते हो
और भी यू पिंस लगाने हैं तो आपकी चॉइस है। फ्रंट से आपको हेयर को इस तरीके से खींच लेना है ताकि जो आपका लुक है वो अच्छा दिखे एंड बहुत ज़्यादा फ्लैट ना दिखे। लेयर्स को निकाल लेना है एंड ये हमारा सातवां हेयर स्टाइल हो गया, वो भी सिर्फ एक रबर बैंड की मदद से। तो आपको कौन सा हेयर स्टाइल सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। एंड जो जो भी हेयर स्टाइल आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और भी इसी तरीके की वीडियोज मैं आप लोग के लिए डे बाय डे लेकर आते रहती हूँ, इजी हेल्पफुल एंड सेल्फ हेयर स्टाइल। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।